श्रद्धा चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं एसएमई पोस्ट लाइव। पेश है आज की खास एसएमई खबरें। मोदी सरकार जीएसटी को शीतकालीन सत्र में पारित कराने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन एसएमई संगठनों की कोशिश है कि बिल में आवश्यक संशोधन करने के बाद ही उसे सदन में रखा जाए। संगठनों का कहना है कि जीएसटी के कुछ प्रावधान उनकी मुसीबतें बढ़ाने वाले हैं, जिन्हें बदलना चाहिए। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने नोटबंदी के खिलाफ सरकार पर वार करते हुए कहा कि नोटबंदी इस साल का सबसे बड़ा घोटाला है। ब्लैक मनी का मुद्दा अब नहीं रहा, अब एक नया मुद्दा आ गया है जिसे कैशलेस इकोनॉमी कहा जा रहा है। चिदम्बरम ने सरकार से पूछा कि क्या सरकार के पास कैशलेस इकोनॉमी है, देश में बिजली है और मशीनें कहाँ हैं। डाटा ड्राइवन फिनटेक स्टार्टअप इंडिफाई टेक्नोलॉजीज ने 66.5 करोड़ रुपए रेस किए हैं। इंडिफाई इस फंड के जरिए स्मॉल बिजनेसेस को सिक्योर लोन्स देने में मदद करेगा। इस योजना के तहत इंडिफाई उन एमएसएमईज को अनसिक्योर्ड लोन ऑफर करेगा जो उनके पार्टनर एनबीएफसीज और बैंक द्वारा चुनी गई होंगी। टाटा ग्रुप और उसके पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के बीच चल रही लड़ाई अब आखिरी दौर में है। ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस की होने वाली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में इस बात का फैसला होगा कि मिस्त्री कंपनी के डायरेक्टर रहेंगे या नहीं। मिस्त्री को 24 अक्टूबर को टाटा सन्स के चेयरमैन के पद से हटाया गया था। असम इंडस्ट्रीज और कॉमर्स मिनिस्टर चंद्रमोहन ने एमएसएमई यूनिट से कहा कि वह क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ ध्यान दें। उन्होंने कहा कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही एमएसएमई यूनिट को ग्लोबल कंपनियों से कंपटीशन करने में मदद करते हैं। मोबाइल के डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ने से मोबाइल हैंडसेट इंडस्ट्री को अधिक लाभ होगा। अनुमान के अनुसार इस नियम की वजह से साल 2020 तक मोबाइल हैंडसेट की संख्या 3 गुना बढ़ जाएगी। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इससे फायदे होने की उम्मीद है। एसएमईज के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस ऑफ बिजनेस ने सीरीज बी फंडिंग में 75 करोड़ रुपए रेस किए। ऑनलाइन ब्यूटी डेस्टिनेशन ई कॉमर्स कंपनी नायका ने मैक्स इंडिया आर्म और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से 22 करोड़ रुपए रेस किए हैं।